विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। और हम कहते हैं ना, भक्ति बिना भजन के पूरी नहीं होती है। और हम जब भी, इसीलिए आज तक पर हम बैठते हैं, हम आज रावण दहन के लिए सब यहाँ पर, विजयदशमी के त्योहार को यहाँ मनाने के लिए, तो हमने सोचा अनूप जी को तो सबसे पहला निमंत्रण जाना चाहिए हमारी तरफ से। बिल्कुल सही है, और मैं हमेशा इस इंतजार में रहता हूं कि आप कब बुलाएंगी और कब मैं चर्चा करूंगा, सारे देश से बातचीत करूंगा। जब ये त्योहार आते हैं, जन्माष्टमी, रामनवमी, दशहरा, तो मैं उस दिन कुछ विशेष भजन रिकॉर्ड करता हूँ। आज भी मैं 5 राम भजन रिकॉर्ड कर रहा हूँ नूपुर म्यूजिक के लिए, और मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के यहाँ रोज एक ना एक ऐसा भजन पहुँचे जो उनके अंदर भक्ति भावना जगाए। आज मैं दिल्ली आया हूँ बम्बई से यही रिकॉर्डिंग करने, और इस वक्त आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सबके अंदर दो चीज़ें जगाए, एक तो प्रभु भक्ति और दूसरी देशभक्ति। इन दोनों में कहीं कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जब भगवान राम राजा बने, कृष्ण राजा बने, तो उन्होंने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा को आनंद देने के लिए क्या नहीं किया, क्योंकि वो देशभक्त थे। जो देशभक्त होता है वो प्रजा का हमेशा ध्यान रखता है, इसलिए वो बिल्कुल सही राजा थे। आज भी हम ये देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने प्रजा का ध्यान रखता है उसको ही हम सफल नेता भी मानते हैं। मैं आज एक भजन रिकॉर्ड कर रहा था जो तुलसीदास जी का बड़ा ही सुंदर भजन है, मैं उसकी 2 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ सबको। जी, राम चरण सुखदाई, राम चरण, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, जेहि चरणन से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम परो है, त्रिभुवन तारन आई, भज मन राम चरण सुखदाई, सुखदाई, सुखदाई। जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मालिनी अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़ गई है। मालिनी जी, विजयदशमी की बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे राष्ट्रवासियों को शुभकामनाएं, और हमारे प्रिय अनूप जी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना सुंदर उनकी आवाज में सुन आप करके हम ठीक है, सब आपको राममय हो गए, और बहुत बहुत आभार मुझे याद करने के लिए आज तक को। नहीं, आप जिस तरह से राम जी को याद करती हैं ना, तो जब राम जी को यहां पर हम याद कर रहे हैं विजयदशमी के दिन, तो हो ही नहीं सकता था कि आपको न याद करें। जी, बहुत बहुत आभार। ये मेरा सौभाग्य है कि, और अनूप जी का भी, कि हम लोग अवधवासी हैं। अवध में जन्म मिला, और अवध में जन्म लेने के कारण एक नैसर्गिक, भगवान राम तो देखिए पूरे भारत के प्राण हैं, लेकिन अवधवासियों के हृदय में रहते हैं। और हमने जन्म लेते ही अपनी दादी से, माँ से राम के संस्कार सुने, सौभाग्य से गाने का भी अवसर मिलता है। और आज के दिन ये जो विजयादशमी का पर्व पूरे विश्व में, सनातन जहां भी हैं, जिस हर्षोल्लास से मनाते हैं, ये कोई इसका न्योता नहीं छपता, इसके लिए कोई बताता नहीं है कि शारदीय नवरात्र की दशमी के दिन रावण का पुतला जलेगा मेघनाथ कुंभकर्ण के साथ, और बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग रावण का दहन देखते हैं। और ये प्रतीकात्मक एक तरह से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं कि जब जब कोई अधर्म करेगा, तो हमारा समाज सदैव हमें यही परिपाटी के बहाने सिखाता रहेगा, हर दुष्ट के प्रति ये नसीहत देता रहेगा कि धर्म की ही रक्षा होगी, सच्चाई की ही विजय होगी। और
एक गीत मुझे याद आता है जो इस बड़ा सुंदर इस पूरे शब्द को, इस पूरे मैं कहूंगी इस पूरे स्वरूप को जो आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, जगह जगह रावण के पुतले के दहन की तैयारी हो रही है। तो कल्पना करें कि जब आज से युगों पहले त्रेता युग में ऐसा हुआ और जब असंभव को संभव कर दिखाया, भगवान राम ने शक्ति की उपासना की और देवी प्रसन्न हुई, रावण का वध हुआ, तो कहते हैं कि देवताओं ने जय जयकार की कि रावण का नाश एक व्यक्ति का नाश नहीं था, छल से हरण की हुई एक मात्र शक्ति के, वो भी पीठ पीछे, सामने से हरण भी नहीं, ऐसे व्यक्ति को कैसा दंड मिलना चाहिए, इसकी एक नजीर राम रखते हैं सबके सामने कि जब जब कोई माता समान स्त्री को यदि कुदृष्टि से देखेगा तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। और आप देखते हैं कि दलित वंचित शोषित ही नहीं, भगवान भी सहायक होते हैं, देवी सहायक हुआ तो। तो एक गीत मैं सुना रही हूं, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, वसुधा हसे सुधारस बरसे जग से दूर अनय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम। और भगवान राम रावण पर विजय क्यों पाते हैं, क्योंकि तेरी शक्ति लोक हितकारी, राम से कहा है कवि ने, तेरी शक्ति लोक हितकारी इसलिए रावण पर भारी, तेरी शक्ति लोक हितकारी इसलिए रावण पर भारी, हारी तुमसे असुर साधना, हारी तुमसे असुर साधना, वसुधा फिर निर्भय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, जय हो राम तुम्हारी जय हो, बोलो राम सीता राम, बोलो राम राजा राम। अद्भुत। और देखिए कि कितने कितने तरह से, मतलब स्वामी जी कहने के लिए एक कथा है, राम जी की कथा है, सबको मालूम है कि कैसे जन्म होगा, कैसे उन्हें वनवास पे भेजा जाएगा, कैसे वो रावण की सेना को हराएंगे, सीता जी को वापस लाएंगे, अयोध्या में दीपावली का त्योहार होगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी रुचि से और हर बार आप कुछ नया सीख कर वहां से निकलते हैं। यही एक श्वेता जी, बहुत राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और अपने जीवन में उन्होंने पहाड़ नदियों पक्षियों सभी से प्यार करने के, कोल भेल क्रात सभी, ना कहीं किसी भी तरह से ऐसा राम, जब दशरथ ने उनसे कहा बेटा अब तुमको मैंने युवराज बना दिया है, लेकिन केकई ने जिस तरह से हमसे कुछ मांगा है तो तुम अपना राज स्वीकार करो, तो उन्होंने कहा पिताजी नहीं, हम आपकी हम आपके वचन का पालन करेंगे, हम निश्चित ही जंगल में जाएंगे। तो अभी जिस तरह से देवकी नंदन जी, बस हम ये भी बता दें कि ये पटना की तस्वीरें हैं, क्योंकि जो जैसा हम कह रहे थे कि पूरब में पहले सूर्यास्त होता है, तो वहां देखिए रावण का दहन हो गया, दिल्ली में लगभग 6:45 बजे सूर्यास्त का समय है, और पटना में पहले सोने की लंका जली और स्वामी जी अब वहां पर रावण दहन। और एक कुछ आदर्श व्यक्ति के समाज में, विश्व में जहां पर भी हैं, राम एक आदर्श हैं, मर्यादा हैं, इसलिए उन्होंने, आप देखिए जहां पर पिता का जो हो रहा सब उनको हो रहा था, लेकिन उन्होंने सब छोड़ करके जंगल में चले गए। और वहीं आप देखिए जब विभीषण, आप देखिए दो भाई वहां पर गोस्वामी जी किस तरह समन्वय की बात करते हैं, रावण सुन नहीं रहा, अपने भाई की भी नहीं सुन रहा, पत्नी की भी नहीं सुन रहा है, अपने अहंकार में इतना देखे, लेकिन वही विभीषण जब विभीषण को लात मारी गई
तो तब विभीषण ने कहा कि हमारा दोष नहीं भाई, आप मेरे बड़े हैं, मैं छोटा हूं और मैं अब जा रहा हूं राम की शरण। तो राम की शरण जब विभीषण पहुंचे तो वहां लक्ष्मण और सेना सबने कहा कि भाई है, कुछ गुप्तचर होकर के आ सकता है। तो राम ने कहा नहीं, हमारे शरण में आया है तो पहले उससे बात करें। तो विभीषण क्या कहते हैं, श्रवण सुयस सुन आय हूं प्रभु रंजन भव भीर त्राही त्राही आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। मैंने तो आपके भाव को, आपके नाम को, आपके प्रभाव को सुन रखा है, इसलिए मुझे किस बात का भय। जो व्यक्ति राम के प्रभाव को जानता वो कभी भयभीत नहीं होता। इसलिए अभी हमारे ठाकुर जी ने, देवकीनंदन जी का दूसरा नाम भी ठाकुर जी है, तो मैं आपको बताऊं बहुत अच्छा, वो मर्यादा, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। कृष्ण कहते हैं आप देखिए, पैदा होते ही मैया मैनी माखन खायो और खा रहे, और माँ कहती है तुमने मिट्टी खाई, बोले नहीं जीभ दिखा रहे। तो कहने का मतलब है लीला, लेकिन है दोनों ही अवतार जी, वो लीला पुरुषोत्तम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। हम अपने संवाददाता के पास भी चलते हैं। हाँ जी, क्योंकि शशि, शशि आवाज आ रही है आपको, तैयारी की है जिसमें आतिशबाजी आप देख रहे हो सामने जी। शशि आप बोलते रहिए, हम आपकी तस्वीरें पूरा दिखाते हैं जी। बिल्कुल आवाज आ रही जी, जी चूंकि वहां से जो तस्वीरें हैं, सबसे पहली तस्वीर वहीं से आई है। आप बताएं, आप वर्णन करें, अब बस यही है कि अब देखिए जो 68 साल से बिल्कुल 68 साल से दशहरा कमेटी जो है पटना के अंदर, वो इस रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन करती रही है और आज भी आयोजन हो रहा है। बिहार के राज्यपाल यहाँ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद हैं, दूसरे दलों के भी नेता हैं, स्थानीय सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो भी मौजूद हैं। और खास बात यह कि लालू यादव लंबे अरसे बाद आज रावण दहन के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मेघनाथ कुंभकर्ण का दहन हो चुका है, लंका दहन से शुरुआत हुई थी और अब कुछ ही पलों में रामचंद्र जी और लक्ष्मण उनके भाई जो राम की टोली है वो अब देखिए रावण दहन की तरफ बढ़ते हुए कार्यक्रम जा रहा है और अब रावण का दहन होगा। और रावण के दहन के साथ जो दशहरा कमेटी ने यह भव्य आयोजन किया था उसका समापन होगा। इस वक्त रामचंद्र जी जो हैं ये देखिए नीचे रावण के पुतले में आग लग चुकी है और अब रावण जो बुराई का प्रतीक है, जो असत्य होने का प्रतीक है, उसके ऊपर सत्य की विजय की तस्वीरें पटना के गांधी मैदान से, ऐतिहासिक गांधी मैदान से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और बेहतरीन तैयारी की है इस बार दशहरा कमेटी ने आतिशबाजी की और कहा यह गया है कि कई मिनटों तक ये आतिशबाजी होगी जब रावण का ये पुतला नीचे भरभरा करके नीचे आया है। और इसके पहले लंका दहन, फिर मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन और अब रावण दहन के साथ जो एक प्रतीक के तौर पे बुराई पर अच्छाई की जीत, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पे जो दशहरा कमेटी की तरफ से आयोजन हर साल किया जाता रहा है वो कार्यक्रम अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है। श्वेता, गजब का मतलब लोगों के, बड़े बड़े लोगों में मासूमियत यहां पर आपको दिख जाएगी। जैसे ही रावण का पुतला धू धू कर जल उठता है, तालियों की गड़गड़ाहट हर तरफ से, आपको शोर उल्लास वो सुनाई देता है। और दरअसल उत्सव होता भी वो समय है जब आप अपने मन के, जो मन में जो बालक है आप उसे जीवित रखें, जीवित करें। अनमोल बाली हमारे साथ दिल्ली से हैं और सत्येंद्र चौहान इस समय चंडीगढ़ से हमारे साथ। दोनों जगह की हम तस्वीरें जल्दी जल्दी देखते हैं। सत्येंद्र पहले आप बताइए। देखिए श्वेता, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि विजयदशमी का त्योहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, लेकिन पंचकुला की ये खास बात यह है, पंचकुला में मैं मौजूद हूँ चंडीगढ़ के बिल्कुल पास, कि ये देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाया गया है। 171 फीट ऊंचा ये पुतला है, 3 महीने में बनकर तैयार हुआ है, 18 लाख रुपए इस पर लगे हैं। अगर इसकी ड्रेस की भी बात करें तो वेलवेट से, खास डिजाइनर से बात करके ये ड्रेस तैयार की गई है और आधुनिकता का की मिसाल ये है
कि इस पूरे रावण के पुतले को रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। 12 जगह पर इसमें टेक्निकल पॉइंट ऐसे लगाए गए हैं कि रावण के हृदय से लेकर पैरों तक कहीं ना कहीं आतिशबाजी फिट की गई है। अगर भीड़ की बात करूं तो ये तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं श्वेता, ऐसा लग रहा है कि पंचकुला में पूरा हरियाणा पंजाब यहां पर उतर आया है। हजारों की तादाद में यहां पर भीड़ है और जगह जगह पर अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, बड़े बड़े पंडाल आप देख सकते हैं, यानी कि कैमरे की नजर कहीं भी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई उत्सव हो, और हो भी क्यों ना कहीं विजयदशमी का ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, अपने आप में एक संदेश देता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर हो, अच्छाई उसको अंत में हरा ही देती है। और शायद यही वो वजह है जिसकी चर्चा आप कर रही थी कि जब भी रावण का पुतला जलता है तो लोग तालियां से बजाते हैं और अपने अंतर्मन से खुश होते हैं। तो पंचकुला की ये तस्वीरें मैंने आपको दिखाई है, और ये दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया में इससे बड़ा रावण का पुतला अभी तक कहीं पर भी नहीं बना है। श्वेता।